आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्यूमर के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, बट ये होता है किसी किसी लोगों में। और ये ट्यूमर जो है वो कभी भी कैंसर नहीं बनता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके कैंसर बनने के, बट देखने पे ये बिल्कुल कैंसर की तरह दिखता है। ये आपके पूरे जो फेशियल स्ट्रक्चर होते हैं उसको ये चेंज कर सकता है। और इसके ट्रीटमेंट जो है वो कब करवाने की ज़रूरत होती है या फिर कब जो है ये बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताए हैं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर उसके बाद भी आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके की जबड़े में अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसे स्वेलिंग जैसे ट्यूमर जैसी संरचना जो है वो देखने को मिलती है, जिससे कि उनका फेस का जो एक्सप्रेशन होता है या फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, इवन जो जबड़े होते हैं वो थोड़े से आड़े तिरछे से होने लगते हैं। अगर मुंह खोल के दांत को देखेंगे तो दांत भी इनके जो होते हैं वो कहीं अलग से शिफ्ट होने जैसे दिखने लगते हैं। छूने पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हार्डनेस होती है। इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है इसे हम लोग अपने डेंटिस्ट्री की भाषा में एमाइलोब्लास्टोमा कहते हैं। एमाइलोब्लास्टोमा जो होता है वो एक नॉन कैंसरस कंडीशन है, मतलब ये कैंसर की स्थिति नहीं होती है। इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस जो होती हैं अगर आप उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं लेते हैं तो ये पूरे जॉब बोन के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको डैमेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाकी सारी चीज़ें जैसे कि खाना खाना, हंसना, बोलना, ये सारी चीज़ों में आपको दिक्कतें महसूस करा सकते हैं। तो ब्लास्टोमा को बनने के लिए ऐसे कोई जो है वो स्पेसिफिक सा रीज़न जो है अभी तक पता नहीं चलने पाया है, बट कुछ ऐसे जेनेटिक रीज़न हो सकते हैं, लाइक म्यूटेशन कुछ ऐसी हो सकती है जीन में, जिसकी वजह से ये जो एमाइलोब्लास्टोमा है वो बनता है। जो आपके जो दांतों की प्रोटेक्शन का लेयर होता है, जो इनेमल होता है, उस सेल में लाइनिंग में कोई भी चेंजेस होने की वजह से ये मेनली एमाइलोब्लास्टोमा बनता है। ये आपके ऊपर और निचली दोनों जबड़ों में से किसी भी जबड़े को प्रभावित कर सकता है, लेकिन मेनली ये आपके नीचे वाले जबड़े के जो मोलर्स होते हैं वहाँ पे ये दिखाई देता है। और इसके जब होते हैं, अगर आप उसका ओपीजी करते हैं, बड़ा वाला एक्सरे अगर आप करवाते हैं, तो वो उस पूरे एक्सरे में आपको वो हड्डी का जो भाग होता है वो वहाँ पे ब्लैकनिंग सा दिखाई देता है। इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये आपके स्ट्रक्चर को ख़राब करने के साथ साथ होती हैं वो ऐसे हो सकते हैं जिससे कि आपके मोलर्स जो हैं वो आपके ऊपर के और नीचे के नहीं बैठेंगे, जिससे कि खाना खाने में भी तकलीफ़ हो सकती है। कभी कभी ये आपके मसूड़े को भी प्रभावित करते हैं, मतलब इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो मसूड़े से होती है, जिसको कि हम लोग पेरीफेरल टाइप का एमाइलोब्लास्टोमा कहते हैं। और ये पेरीफेरल जो एमाइलोब्लास्टोमा होता है ये बहुत ही से ठीक हो जाता है सिर्फ मेडिसिन से, या फिर अगर इसकी सर्जरी करने की आवश्यकता होती है तो सर्जरी करने के बाद दोबारा से ये जो होता है वो नहीं बनता है। लेकिन इसके कुछ ऐसे चांसेस भी होते हैं कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो 10-15% चांसेस ऐसे होते हैं कि फिर से एमाइलोब्लास्टोमा जो है वो वहाँ पे बनने लगता है। इसके अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अगर आप सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बोन लॉस नहीं होता है और आपके मोलर्स जो हैं उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। इसमें मेनली इन्यूक्लिएशन किया जाता है। इन्यूक्लिएशन का मतलब है कि आपका वो जो जहाँ पे ये बना है एमाइलोब्लास्टोमा उसके पूरे अंदर के पार्ट को जो है वो कट करके हटा दिया जाता है। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे हीलिंग होती है। अगर बोन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है तो वो करके इसको ठीक किया जा सकता है। एमाइलोब्लास्टोमा अगर किसी को होता है और अगर आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपको क्या इसमें दर्द हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो ये बताएंगे कि उनको बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई दर्द नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चांसेस होती हैं जिसमें कि उसमें पेन होता है और मोलर्स को जब आप ऐसे प्रेस करते हैं तो उसमें हल्की सी मोबिलिटी भी आपको दिखाई दे सकती है। गांठें जो है वो सिर्फ महसूस हो सकती हैं बट उसमें पेन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ ऐसे केसेस स्टार्टिंग में होते हैं कि इसमें अगर आप मेडिसिन चला देते हैं, लाइक एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर मेडिसिन चला देते हैं, तो ये हार्डनेस जो है वो अपने आप धीरे धीरे से कम हो जाती है और इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ यूनिसिस्टिक टाइप का जो एमाइलोब्लास्टोमा होता है, ये टाइप के एमाइलोब्लास्टोमा के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और सर्जरी करने के बाद भी इसके रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी, अगर आपके जबड़े में कोई भी गांठ जैसी संरचना महसूस हो रही है, पेन नहीं हो रहा है,
तो ज़रूरी है कि आप अपने डेंटल क्लिनिक जाइए, विजिट कीजिए, अपने डॉक्टर से ये सारी बातें बताइए, जिससे कि अगर आपको कोई ऐसी सीवियर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो रहा होगा तो उसको वहीं पर ठीक किया जा सके। हर एक गांठ जो होती है या हर एक ट्यूमर जो होता है वो कैंसर नहीं होता है, तो पहले से ये सोच करके कि ये कैंसर हो गया पहले ही होपलेस हो जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराने से डरते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। पहले कंफर्म कर लेना है कि प्रॉब्लम क्या हुई है। प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अवेयरनेस ज़रूरी होता है। अगर आप अवेयर रहते हैं तो एक होने वाले बड़े बीमारी को आप स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर सकते हैं। अमीलोब्लास्टोमा जो होता है, ऐसे तो ये किसी भी एज ग्रुप का मोहताज नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये मेनली 30 साल से उम्र से लेकर के 60 की उम्र वाले लोगों के बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ये आजकल जो है वो बच्चों में भी देखने को मिलता है और कुछ ऐसे यंग चाइल्ड होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। तो ये मान सकते हैं कि किसी भी उम्र में हो सकता है, जब आपके मोलर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसी टाइम से। तो इसीलिए अगर आपको अगर किसी भी तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो नियर के डेंटिस्ट से विजिट करके अपना ट्रीटमेंट जरूर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो लोगों के गाल में जो है वो गांठें कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं और वो इस डर से कि वो कैंसर हो गया है वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो वो ये जो है अवेयरनेस उनके साथ आप बांटिएगा ताकि वो अवेयर होकर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकें। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।